विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर लाभार्थी, हर वंचित व्यक्ति जो योजनाओं से वंचित है, जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन पर ये यात्रा की मोदी गारंटी की यात्रा की ये गाड़ी हर गांव में पहुंच रही है, ताकि वंचित गरीब व्यक्तियों को उनकी योजनाओं की जानकारी मिल सके, उन लाभार्थियों को जो उसका लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं उनको लाभ मिल सके। और इसीलिए इस संकल्प यात्रा के माध्यम से दूर दराज के आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कई वंचित लोगों को उसी समय उन योजनाओं का लाभ मिलता है। मैंने देखा कि महिलाओं, विशेष रूप से महिलाओं में इसको लेकर बहुत उत्साह है, और बड़ी संख्या में महिलाएं इस विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा के कैंप में आती है, जिससे आने वाले समय के अंदर जो कई योजनाओं की जानकारी गाँव वालों को नहीं होती, या जानकारी होती है तो सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते रहते थे, अब उनको यहाँ पर ही उन योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है, और जो वंचित लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ भी उसी समय दिया जाता है, ताकि हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें, एक आत्मनिर्भर स्वावलंबन भारत बना सकें, हर महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और हर महिलाओं को जो योजना है उनका लाभ मिल सके। इसका बहुत बड़ा लाभ गांव के अंदर मिल रहा है, इसके एक बेहतर परिणाम आएंगे। बिरला साहब ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा किया है। हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर हो, और उनके प्रोडक्ट को, जो भारत के हमारी महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों को उचित मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि वो उत्पाद बनाएंगी और उसको बेचने का प्लेटफॉर्म देंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। मुझे लगता है कि जिस तरीके के अंदर यहाँ महिलाओं में उत्साह है, आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने अपने कोई छोटा व्यापार करेगी, कोई डेयरी लगाएगी, कोई दुकान खोलेगी, कोई छोटे मोटे मुंगड़ी बनाएगी, पापड़ बनाएगी, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बनाएगी, उन प्रोडक्ट को एक उचित प्लेटफॉर्म दे के जाएगा,